ताइवान में जर्मन डेलीगेशन पहुंचा है जो ताइपे पहुंच चुका है, प्रेसिडेंट साई इंग्वेन से भी मिलेगा। इसी दौरान चीन ने भी वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। जर्मनी के डिफेंस कमेटी के हेड और विपक्षी पार्टी के सांसद भी पहुंचे हैं। पिछले 26 सालों में जर्मनी के डेलीगेशन का यह पहला दौरा है। क्या इसीलिए बौखला है चीन? चीन के हाहाकारी वॉर ड्रिल, जर्मन डेलीगेशन का ताइवान दौरा। ताइवान के एयर स्पेस में चीन की घुसपैठ, साल 2021, ये देखिए अब आपको जो मैं फैक्ट्स दिखाता हूं इनको समझिए बाप। साल 2021 में 538 बार, साल 2022 की अगर बात की जाए तो 1241, मुझे लगता है 150-300-400 बार तो शायद पेलोसी के आने के दौरान ही क्या होगा। 2023 अब तक दो बार घुसपैठ की है, बस दो बार। चीन का हाल रूस जैसा ना हो जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पंद्रह दिन के अंदर साउथ चाइना सी दो बार थर्रा उठा, ताइवान तक बारूद का शोर कोहराम मचाने लगा, जापान ने भी अपने मिलिट्री को अलर्ट पर डाल दिया। इसके पीछे की वजह भी सुन लीजिए। चीन ने पिछले 15 दिन में दो वॉर एक्सरसाइज की और दोनों ही वॉर एक्सरसाइज में अपने सबसे घातक हथियारों को उतारा गया। पीएलए ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि ईस्टर्न थिएटर कमांड ने ताइवान की खाड़ी में युद्ध अभ्यास किया, जबकि इसी दौरान ताइवान के एयर स्पेस में उसके फाइटर जेट भी घुस गए थे। ठीक इसी तरह 15 दिन पहले हुआ था, तब भी समंदर में चीन वॉर एक्सरसाइज करके अपनी ताकत ताइवान और जापान को दिखा रहा था। तभी ताइवान के एयर स्पेस में 43 फाइटर जेट घुस गए। अब ये संयोग नहीं हो सकता, बल्कि चीन ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, क्योंकि चीन लगातार बौखला रहा है। जब से अमेरिका ने ताइवान को हथियार देने के लिए अपने एक्ट में बदलाव किया है, यानी अब ताइवान को अमेरिका और ज्यादा हथियार दे पाएगा। दूसरी तरफ जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर मिले हैं। ऐसे में चीन की बौखलाहट बढ़नी तय है। हो सकता है चीन ताइवान को धमकाए, अपने फाइटर जेट के जरिए घुसपैठ भी करे, लेकिन क्या ताइवान पर अटैक कर सकता है चीन? ये बड़ा सवाल है। अगर ऐसा हुआ तो जंग का दूसरा मोर्चा खुल जाएगा और दुनिया महायुद्ध की तरफ बढ़ सकती है। कहीं चीन का हाल रूस जैसा ना हो जाए, साल 2026 तक ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाएगा चीन। सीएनएन की रिपोर्ट में ताइवान से जंग पर एक्सपर्ट्स ने बताया है, अगर चीन ने ताइवान में घुसपैठ की तो हजारों लोग मारे जाएंगे। ताइवान पर जंग की हालत में यूक्रेन जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। ताइवान के साथ जंग में अमेरिका और जापान भी आएंगे। ताइवान ने जंग चीन वर्सेस अमेरिका हो जाएगी। जंग हुई तो दुनिया में सबसे बड़ा आर्थिक संकट आ जाएगा। और एक और बात, अगर ताइवान से जंग हुई तो जो माइक्रोचिप है उसकी कमी के चलते पूरी दुनिया हिल जाएगी।